गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का इंग्लिश मीडियम चैप्टर 3 का लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कौन कौन सा पीरियडिक टेबल को हम कैसे कौन कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, किस तरीके से किया। फिर कल हमने जो सेकंड लेक्चर था दैट कंक्लूड्स अबाउट द मॉडर्न पीरियडिक टेबल, कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या है और कैसे किस तरीके से उसमें ग्रुप्स हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, उनके सिंबल क्या है, उनका नेमिंग क्या है, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत प्रैक्टिस मांगता है ये। अब आज मैं आपको आगे का पार्ट पढ़ा रही हूँ। आगे के पार्ट में क्या है कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उनको हम नेमिंग कैसे करेंगे। जिनके सिंबल दिए हुए उनको तो कर लेते हैं, लेकिन 100 और 100 से ज्यादा के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकालने के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। बुक में आपकी टेबल ह्यूमन है। देखिए, आप साथ के साथ पढ़ते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको बाद में 10th में और 11th में, बहुत फर्क है। अब आप देखिए, डिजिट्स को पहले हमने बताया। डिजिट्स जैसे 0 डिजिट है तो उसको नल कहेंगे, 1 है तो उसको अन कहेंगे, 2 है तो उसको बाय, 3 है तो उसको ट्राय, 4 है तो उसको क्वैड, 5 है तो पैंट, 6 तो हैक, 7 है तो सैप्ट, ऑक्ट एंड एन। ठीक है, और इनके सिंबल आगे के नाम से ले लिए, एन यू बी टी क्यू टी एच एस ओ एंड ई। ठीक है, और लास्ट हमने क्या लगाया, सफिक्स लगाया, सफिक्स इज ईएम। ठीक है, अब मान लीजिए कि 101 है एलिमेंट, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है 101, तो 101 को आप कैसे लिखेंगे, 1 को कैसे लिखेंगे, अन, 0 को कैसे लिखेंगे, निल, अन, निल, लास्ट में क्या है, फिर अन, अन को क्या लिखा, अनियम, लास्ट में हमने सफिक्स लगा दिया। मतलब तीनों के सिंबल, तीनों के नेम को लिखने के बाद लास्ट में ईएम लगा देना है। अनिल बायम बायम, अनिल ट्रायम, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल एनियम, क्योंकि 9 को हम क्या कह रहे हैं, एन कह रहे हैं, अन अन निल, अन अन निल यम, अन अन अनियम, अन अन बायम, ऐसे 112 से लेकर 118 तक निकाल लेंगे। तो 118 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कैसे बताया, वापस से बता रही हूँ कि मान लीजिए 110 को देना है आपको, तो आपको 1 का पता होना चाहिए। 1 सिंबल को किससे बताते हैं, अन से, इसको भी अन से, तो अन अन निल लास्ट में लगा देंगे, यम, अन अन निलियम, अन अन अनियम, अन अन बायम। ठीक है, इनके सिंबल, सिंबल आपने जो भी यूज किया है, यू एन यू, ठीक है, जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, अन निल बायम, तो यू एन वी, यू एन टी, यू एन क्यू, यू एन पी, यू एन एच, यू एन एस, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर देखिए, यू यू एन, ठीक, यू यू यू, मतलब जो आपने सिंबल यूज, जो आपको नंबर दे रखा है, न्यूमरल दे रखा है, उसके लिए आप जो सिंबल यूज कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग मटेरियल, उसका स्टार्टिंग जो सिंबल यूज हमने किया है वो ही लगाइए, उसी से नाम दे देंगे, जैसे ट्रिपल यू। ठीक है, तो जब आपके पास जो भी बुक है, पीरियडिक टेबल है, आप देखेंगे उसमें नंबरिंग इसी तरीके से की हुई, नेमिंग इसी तरीके से की हुई है, अन अन बयम, तो यू यू बी, ठीक है, तो इस तरीके से नेमिंग देंगे। अब उसके आगे हमारे पास फिर से आती है कि यदि हमें एक ऑडिट, यदि हमें पीरियडिक टेबल को देखना है, तो पीरियडिक टेबल में देखिए, आपको बताया था कल मैंने, इस तरीके से ग्रुप्स हैं, 1, 2 है, 7, 18 तक हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं कि जो पीरियडिक टेबल है उसको ब्लॉक के हिसाब से कैसे बांटा गया है, ब्लॉक में बांटे गए हैं। देखिए, ब्लॉक में क्या है, 4 ब्लॉक्स हैं, ये वाला ब्लॉक तो कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक है। ठीक है, एस ब्लॉक का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस ऑर्बिट में जा रहा है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में जाएगा, यदि पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, यदि डी में जाएगा तो डी ब्लॉक, और यदि एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक कहलाएगा। तो ये एस, ये पी, ये डी, बीच वाला जो है दैट इज डी, और ये नीचे जो अलग से बनाया हुआ है दैट इज एफ, और ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आप देखो एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है। एस, एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मेटल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट सारा जो है वो मेटल है, तो एस वन, ये वाला एल्कली मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है,
मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, या आपने टेंथ में भी पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, डक्टाइल होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, और मैलिएबल होते हैं, यानी शीट में बना सकते हैं, उसको तार के फॉर्म में खींच सकते हैं, वो उनमें लस्चर होता है, लस्चर का मतलब वो शाइन करते हैं, लस्चरस होते हैं वो, ठीक है। ये तो हो गए आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पी एलिमेंट्स, पी एलिमेंट्स देखिए 13 से लेकर 18 तक होते हैं, दीज आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, उसमें एस भी आ जाते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये एल्कली मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल्कलाइन को, ये बोरोन फैमिली को, ये कार्बन को, ये नाइट्रोजन को, ये ऑक्सीजन को, ये नोबल गैस को। तो जब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इनमें क्या होता है, इसमें होती है मेटल, इसमें होती है नॉन मेटल, क्या होती है नॉन मेटल, ये सारे मेटल थे वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होती है, नॉन मेटल कैसी होती है, नॉन डक्टाइल होती है, नॉन कंडक्टर होती है, मतलब पुअर कंडक्टर होती है, और भी कैसे इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर, नॉन वैल्यूएबल होती है, नॉन लस्चरस होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है डी, डी क्या है, एस और पी के बीच में फंस गए, तो यदि कोई चीज बीच में फंस जाती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ही दूसरा नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में एंटर कर रहा है, एन माइनस वन डी में कर रहा है, कौन से में कर रहा है, लास्ट वाले में, पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है, ठीक है। एस में जो एस था वो तो बाहर का था, पी है वो भी बाहर का है, डी जो है वो अंदर है, एन में से कम हो गया, एन एन का मतलब जो शेल नंबर है उससे कम हो गया, ठीक है। तो डी जो होते हैं वो यहां होते हैं, डी की तीन सीरीज होती है, 3D 4D और 5D। यदि ये 3D सीरीज है तो इसका मतलब ये पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा, और ये कौन सा होगा, सिक्स्थ होगा। तो ये तो एन नंबर है, एन का मतलब पीरियड नंबर, और ये डी ब्लॉक आ गया, ठीक है। तो जो वैलेंस शेल में, यदि वैलेंस शेल जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट कौन सा ऑर्बिट में जा रहा है, डी में जा रहा है, तो डी ऑर्बिटल्स हो गए। डी क्या किस चीज को शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, यानी अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। जैसे आयरन है +2 +3, मैग्नीजियम +2 3 4 5 6 7, अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। कलर दिखाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड फॉर्म करते हैं, कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटेलिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ठीक। उसके बाद लास्ट में जो कल हमने पढ़ी थी लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, लैंथेनाइड कहां से स्टार्ट हो रही थी, सीरियम से स्टार्ट हो रही थी, लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथिनियम, समेरियम, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट हो रही थी लैंथेनाइड, और उसके नीचे थी एक्टिनाइड, 89 से स्टार्ट हो रही थी और वो 57 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने पीरियडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में नीचे जगह दी गई है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वो कौन से में एंटर होता है, एफ ब्लॉक में एंटर। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है कि यदि एफ ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो, एफ कौन सा है, एफ जो है वो देखो क्या है, एन माइनस टू एफ है, एन माइनस टू का मतलब डी से भी अंदर जा रहा है, यहां पर दो आ गया, यहां पर एक आया था, यहां पर ये बाहर की शेल से एक अंदर था, ये बाहर की शेल से दो अंदर है, तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन के भी अंदर है। ट्रांजिशन कौन सा था, ये वाला था जिसमें एन माइनस वन में आता, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हो गई, ठीक है। तो इनके कॉन्फिग्रेशन, जनरल कॉन्फिग्रेशन क्या है, एन माइनस टू एफ 1 to 14, एन माइनस वन डी 10, एन एस 0 to 2, ठीक है। इसमें क्या है, यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट है दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट देखिए, अभी आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले आपको सिर्फ क्योंकि ये चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कैसे कैसे, आपको पहले कॉन्फिग्रेशन निकालना आना चाहिए, जो कि सेकेंड चैप्टर में भी सिखाया है और थर्ड में उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास यहाँ पर ये जब आप नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ग्रुप नंबर पूछेगा वो, मान लीजिए आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दिया जैसे Z=20, अब वो आपसे पूछा है बताइए कि ये जो एलिमेंट है 20 नंबर का जो एलिमेंट है उसका पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे, पहले सबसे पहले उसका कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे, कॉन्फिग्रेशन लिख लिया आर्गन फॉरेस्ट 2, आर्गन का होता है 18 और 18 और 2 20, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए,
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए पीरियड, पीरियड कौन सा होगा, ये कैसे पता पड़ेगा कि पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, इसके लिए मैंने यहां पर आपको एक शॉर्ट तरीका बताया कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को निकालते हैं तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी मालूम कर लेते हैं, लेकिन यदि हम पी ब्लॉक के एलिमेंट को निकालते हैं तो एनएस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एनपी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और डी में क्या करते हैं, एनएस के इलेक्ट्रॉन और एन माइनस 1 डी के इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर एस है तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम ये वाला ग्रुप फॉलो करेंगे। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप कौन सा हो गया, 2। और पीरियड तो आपको यहाँ से देखकर पता ही पड़ रहा है कि ये तो पीरियड कौन सा है, ये पीरियड तो है 4, ठीक है। यदि Z इज इक्वल टू 25 है फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने कॉन्फिगरेशन लिखा, कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद अब आप देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, S तो पूरा भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अब किस में जा रहा है, D में जा रहा है, D 5 ही है अभी, तो D में गए इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये D ब्लॉक हो गया। अब D ब्लॉक हो गया और वैलेंस शेल कौन सा है, वैलेंस शेल तो जो सबसे लास्ट में आता है 4 है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, एनएस के इलेक्ट्रॉन और डी के इलेक्ट्रॉन, एस के इलेक्ट्रॉन कितने 2 और इसके इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो 5 और 2 7, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे Z इज इक्वल टू 35 है, इसका कॉम्बिनेशन लिखिए R₁₄₃₁₀₁₄₄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 ₄
था, फोर में जा रहा है तो फोर हो गया, इसलिए फोर तो पीरियड हो गया। पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। अब पी में जा रहा है तो पी के लिए क्या निकालते हैं, एनएस इलेक्ट्रॉन, एनपी इलेक्ट्रॉन और टेन इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखो एस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, पी के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पांच और दस, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड कौन सा हो गया, 17, यानी 17 में क्लोरीन कौन, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। तो आपको मतलब कोई भी एलिमेंट हो आपको पहले ये चीज पहचाननी आनी चाहिए और फिर आपको सिंबल पता होना चाहिए, उससे आप ये मालूम कर पाएंगे कि जो एलिमेंट है वो कौन सा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले। थैंक यू।